हेलो एंड वेलकम, मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने फेसबुक के माध्यम से लाइव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। और आज हमारे बीच हमारे 16वें बहुत ही बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और इनका नाम है शिल्पा मिश्रा। दोस्तों आज हम शिल्पा जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे, सीखेंगे किस तरीके से हम सभी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा है और किस तरीके से उन्होंने अपने हिम्मत और हौसले के बल पर अपनी तकदीर को बदल दिया कि आज इस मुकाम तक पहुंच गई हैं। और दोस्तों आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप मुझे इतना सारा प्यार और सम्मान दे रहे हैं, मेरी छोटी इसको कोशिश को इतना प्यार दे रहे हैं, इसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं अपनी इस कोशिश को ऐसी बरकरार रखूंगा और आपके सामने और भी अपने ऐसे नए दोस्तों को लेकर आता रहूंगा जो हम सभी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा है और जिन्होंने अपने हिम्मत और हौसले के बल पर अपनी तकदीर को बदल दिया। तो दोस्तों आज मैं आप सभी को शिल्पा जी से मिलवाने जा रहा हूं एंड आई होप कि आप सबको इनसे मिलके, उनसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे प्रेरणा मिलेगा। तो हमारे बीच में है शिल्पा। हेलो एंड वेलकम शिल्पा जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ दोस्तों के साथ लाइव फेसबुक पे जुड़ने के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। थैंक यू तेजस्वी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल शिल्पा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप जेएनयू से क्या कर रहे हैं। मैं जेएनयू से पीएचडी कर रही हूँ, ये मेरा पीएचडी फर्स्ट ईयर है। okay. और मैं सेंटर फॉर स्टडीज इन साइंस पॉलिसी जो SSS1 में है, मैं वहाँ से पीएचडी कर रही हूँ। शिल्पा जी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार की डिसेबिलिटी है। आई डोंट हैव लेफ्ट आर्म सिंस माय बर्थ, तो मेरा एक हाथ लेफ्ट आर्म जो है वो नहीं है, वो मेरे जन्म से ही नहीं है। जाहिर सी बात है शिल्पा जी, जब किसी को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है तो उसके अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है एंड हम सभी कई तरह की परेशानियों को अपने डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। क्या आपके साथ कुछ ऐसा कोई समस्या, कोई परेशानी रही हो जो आप हमारे दोस्तों के साथ शेयर करना चाहें? वैसे तो मेरी डिसेबिलिटी इतनी बड़ी डिसेबिलिटी नहीं है, और मेरे पेरेंट्स ने मेरी अपब्रिंगिंग इस तरह से की थी कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाया कि अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को आप कैसे करोगे, बहुत ज़्यादा उसके लिए मुझे पहले से ही बहुत प्रिपेयर कर दिया था। पर सबसे ज़्यादा बीइंग डिसेबल सबसे ज़्यादा बुरा ये लगता है जो डिसेबिलिटी को लेकर सोशल स्टिग्मा है सोसाइटी में। जैसे मैं मेट्रो में जा रही हूँ तो वहाँ पे अगर मैं पढ़ती भी जा रही हूँ तो कोई लेडी जो है अपने बच्चे को बोलती है देखो दीदी दीदी का एक हाथ नहीं है पर भी कैसे पढ़ती भी जा रही है, तो उसमें सबसे बुरा लगता है कि एक बच्चे को ये बताओ कि देखो ये भी एक नॉर्मल पर्सन है हमारे साथ, वो अपना काम करती हुई जा रही है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैं एक डिसेबल हूँ, मेरा हाथ नहीं है, मैं पढ़ती हुई जा रही हूँ या बैठ के, तो ये तो एक नॉर्मल इंसान है। अगर आप बच्चे को किसी कोई इस तरह से आप उसको ब्रिंगिंग करोगे कि दिस इज नॉर्मल फिनोमिना इन आवर सोसाइटी, तो वो डिसेबल और डिसेबिलिटी दोनों को अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर पाएगा, उसे पता होगा कि हाँ डिसेबिलिटी क्या है और ये कोई एक अबनॉर्मल थिंग नहीं है, एक नॉर्मल थिंग है, किसी के साथ भी हो सकती है। जैसे कि आपने बताया कि आपका पेरेंट्स का जी आपके लिए बहुत सपोर्ट रहा और उन्होंने बहुत अच्छे से आपकी अपब्रिंगिंग की, बिल्कुल, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितना सपोर्ट रहा और किस तरीके से रहा इस चीज़ को लेके, कैसे देखा उन्होंने जो आपकी जो डिसेबिलिटी है उसको किस तरीके से उन्होंने देखा? मेरा जन्म से ही मैं डिसेबल हूँ तो मेरे मम्मी पापा मतलब मेरे पेरेंट्स ने पहले अपने आप को प्रिपेयर किया। पहले उन्हें बहुत दुख था, पेन था, रोते रहते थे कि क्या है मेरी लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ, फिर उन्होंने पहले खुद उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो सबसे पहले ये कि पेरेंट्स को खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ एक्सेप्ट हमारा कि हमारा बच्चा ये है, फिर उन्होंने मेरी कैपेबिलिटी को देखा कि हाँ ये एजुकेशन में अच्छी है, तो मुझे उस तरफ पुश किया, मुझे टाइम दिया, मेरे ऊपर विश्वास किया, मुझे हर तरह से इंडिपेंडेंट बनाया आगे कहीं भी जाने के लिए कि नहीं तुम खुद से जाओ पढ़ो, कोचिंग खुद से जाओ, स्कूल खुद से जाओ, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें आगे सारी चीजें खुद ही करनी है। तो उन्होंने मुझे उस तरह से एटमॉस्फेयर भी प्रोवाइड किया और तरह से सारी अपॉर्चुनिटी मुझे देते गए जो एक नॉर्मल इंसान को भी मिलता है, और बीइंग डिसेबल उन्होंने कुछ ज्यादा उस अपॉर्चुनिटी को मुझे प्रोवाइड किया कि हाँ तुम्हें तो ज्यादा ही इस अपॉर्चुनिटी को उठाना है, तुम्हें हर चीज खुद से करना है। बिल्कुल दोस्तों, हम शिल्पा जी को सुन रहे हैं और जैसा इन्होंने बताया कि फैमिली का इनके लिए कितना सपोर्ट रहा और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया और फिर उन्होंने इनको मोटिवेट किया कि बेटा आपको खुद अपना सारा काम अकेले करना है, और ये हम सबको भी ये सीखने की ज़रूरत है और इनके पेरेंट्स से भी जो है हमको जानने की ज़रूरत है कि किसी को किसी प्रकार की डिसेबिलिटी होती है तो हमको भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है ताकि हम अपने बच्चों को आगे ला सकें। शिल्पा जी मेरा एक सवाल आपसे और भी बेहद खास, ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा तो आपको शायद लगे कि मैं क्या ही पूछ रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये कड़वा सच है हमारी समाज का कि एक लड़के में और एक लड़की में आज भी बहुत अंतर देखा जाता है। तो एक लड़का जब डिसेबल्ड होता है और एक लड़की जब डिसेबल्ड होती है तो क्या उनके लिए भी इस तरह का जो है एक व्यवहार जो है लोगों के बीच में बिल्कुल अलग हो जाता है, सोसाइटी का भी नजरिया इस चीज के लेके बदल जाता है? क्या आपके साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई ऐसा अनुभव रहा अगर जो आप हमारे दोस्तों के साथ अगर शेयर करना चाहें तो? जी बिल्कुल,
एक पैट्रियाइकल कंट्री है जहाँ पे लोगों का माइंड सेट पैट्रियाइकल है स्टिल, मतलब अब तो प्रोग्रेसिव है पर स्टिल एक लार्ज पोर्शन है जो पैट्रियाइकल माइंड सेट का है. तो वहाँ पे फीमेल को ही सब पूरी घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल पे डाली जाती है, जो डे टू डे की एक्टिविटीज रहती है घर का सारा काम कि फीमेल को ही करना है. अगर अब वही फीमेल डिसेबल है तो सबसे पहले तो ये समझ जाते अरे ये कैसे करेगी, घर को कैसे संभालेगी. तो ये माइंड सेट चेंज करना, मतलब ये माइंड सेट गलत है, ये चेंज करना चाहिए. अगर कोई लड़की डिसेबल है तो आप ये नहीं है कि आपसे बताओ कि अरे तुम घर का काम कैसे करोगी. अरे कोई नहीं, घर का काम भी होगा, हम उसकी तरह से तुम अपने आप को अडेप्ट करना या हम लोगों को उस तरह से करेंगे या हम घर में ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ें अपने घर को इस तरह से हम करेंगे कि तुम्हारे अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोई प्रॉब्लम ना हो. और दूसरा बीइंग अ फीमेल, अब आप वैसे ही ट्रेवल करने में इतनी इनसिक्योरिटी है ट्रेवल करने में, अगर आप एक डिसेबल हो तो अपनी सिक्योरिटी कैसे करोगे. तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा वहाँ पे देखा कि ट्रेन हो गया, बस हो गई या फ्लाइट्स हो गए या किसी भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप ट्रेवल कर रहे हो तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपके लिए, क्योंकि अगर एक फिर भी आप एक अच्छी सक्षम फीमेल हैं तो आपके लिए बहुत ईजिली आप अपनी प्रोटेक्ट कर सकती हैं. पर अगर आप डिसेबल हैं तो वहाँ पे प्रोटेक्शन की प्रॉब्लम हो जाती है. फिर दूसरा ये कि इंडिया में ब्यूटी को आपकी लड़कियाँ पूरा ब्यूटिफिकेशन बहुत ज़्यादा है. अगर एक लड़कियों के लिए ये उनको समझा जाता है सिंबल कि हाँ कंप्लीट वो होना चाहिए, कंप्लीट उनके लिए. अगर एक डिसेबल है तब तो हो गया, उनके माइंड को आप इग्नोर कर रहे हो कि माइंड की वो इसके एक हर्ट है, माइंड है वो एक लेडी है या एक फीमेल है जो आप उसको करके बस आप उसकी डिसेबिलिटी को देखते हो तो वो गलत है. सुरक्षा को लेके मतलब आपने जैसा कि बताया कि कई तरह की परेशानियां आती हैं तो उसके लिए क्या आप कुछ बदलाव चाहते हैं अगर कुछ आप बताना चाहें तो? उनके लिए सुरक्षा के लिए कि ज़्यादा अटेंशन दिया जाए, कॉप्स जो हैं जो पुलिस वॉर्स उनको इस तरह से उनको गाइडेंस दिया जाए कि अगर आप इस तरह से कोई डिसेबल फीमेल देख रहे हैं तो आप उनकी सिक्योरिटी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए. और अवेयरनेस तो है जाहिर बात है, और अवेयरनेस के साथ साथ अगर आप कोई फिजिकल ट्रेनिंग दे रहे हो जैसे कि दिल्ली पुलिस दे रही है तो इस हिसाब से जो फिजिकल जो डिसेबल फीमेल्स हैं उनको उनके हिसाब से आप ट्रेनिंग दीजिए कि वो अपने हिसाब से कैसे प्रोटेक्ट कर सकती हैं. उनके लिए कुछ अगर आप अलग से कुछ कर सके कि उनके लिए अलग मैकेनिज्म कोई डेवलप कर सके तो मुझे लगता है वो एक अच्छा कदम होगा. दिल्ली में तो देखिए वैसे भी लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पे आए दिन मतलब यूपी में दिल्ली में कई तरह के रेप केसेस और कई तरह के जो है सोशल हरासमेंट के केस जो है देखने को मिलते हैं. तो आपको क्या लगता है कि इसमें डिसेबल्ड का जो है कैसे जो है बचाव किया जा सकता है, कैसे कुछ योगदान हो सकता है? ये कि उनको डिसेबल को पहले तो अवेयर करो कि हाँ, क्या है, फिर पुलिस को उसके हिसाब से बताओ कि वहाँ पर अगर आपको ऐसी भी कोई लेडी दिखती है तो आप उनके कंप्लेंट को या उन पे ज़्यादा फोकस करो, ध्यान करो. फिर अगर उनके जो जो ट्रेनिंग्स दी जाती है उसमें स्पेशली डिसेबल काइंड जो डिसेबल्स फीमेल है उनके हिसाब से ट्रेनिंग आप दो कि उनको अलग से करके उनको अलग, तो मैंने जो किसी का पैर है तो वो किस तरह से अपने हाथ से कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, किसी का हाथ नहीं तो और अलग उसे किस मूवमेंट से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है किस तरह से, तो वो अलग ट्रेनिंग दी जा सकती है. तो दोस्तों हम शिल्पा जी को सुन रहे हैं और जैसा इन्होंने बताया इनकी बात है कितनी मोटिवेशनल हम सभी के लिए कि कैसे किसी को जो फीमेल है और डिसेबल्ड है तो उसको किस तरह से और प्रोटेक्ट किया जा सकता है. और जैसा इन्होंने सुझाव हमको दिया, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से पूरे विश्व में जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज़ पर थोड़ा काम करेंगे और बदलाव लाने की जरूरत है इस चीज़ों में भी. शिल्पा जी मेरा एक सवाल आपसे बेहद ही खास और ये मेरा पर्सनल सवाल है. मैं योग का विद्यार्थी हूँ और योग में ही मैं कई बार चैंपियन रहा हूँ, पूरे विश्व में मुझे योग के लिए ही जाना जाता है. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेरे विश्व में जितने भी फ्रेंड इस वीडियो को देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनके लिए कोई आप संदेश मैसेज कि हम लोग आपके लिए ऐसा क्या करें कि आप भी योग से जुड़ सकें और अपनी लाइफस्टाइल को जो है बेटर बना सकें, इस पे अगर आप अपना कोई सुझाव देना चाहें तो जी. मेरे लिए योग अपने स्वास्थ्य को सही रखने का एक तरीका है, अपने मन और शरीर दोनों को आप किस तरह से स्वस्थ रख सकते हो. बीइंग अ स्टूडेंट हमें काफी हमारी पढ़ाई जो होती है कभी कभी हमें डिप्रेशन भी क्रिएट करती है या अब इससे हमें मेडिटेशन की भी जरूरत होती है, तो योग हमें एक तरह से मेडिटेट करता है, हमारे हमारा कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है हमारी पढ़ाई के लिए. तो इस तरह से योग तो हमारे लिए अगर योग एक जरिया है जिसकी तरह से हम अपने अपने मन को स्वस्थ रख सकते हैं. और योग में पहली बात तो फीमेल का इन्वॉल्वमेंट ही कम है, तो सबसे पहले फीमेल का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना चाहिए, उसके बाद डिसेबल फीमेल्स की तरफ तो और ध्यान देना चाहिए कि उनको इसकी तरफ कैसे ऐड कर सके, उनको उनके कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सके योग के लिए.
बिल्कुल दोस्तों, हम शिल्पा जी को सुन रहे हो। जैसा इन्होंने बताया कि फीमेल की जो है अवेबिलिटी योग में कम है, तो पहले उस चीज़ को बढ़ाया जाए, उसके बाद जो है डिसेबल्ड जो वुमेन है उनके लिए जो उसमें अवेयरनेस लाया जाए। बिल्कुल बहुत ही अच्छा सुझाव, और मेरे लिए भी बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और बहुत ही बड़ा मेरे लिए भी सुझाव है। इस पर भी हम काम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज भी जो है कहीं ना कहीं योग में जो महिलाओं को भी कई तरह की परेशानियाँ होती हैं, लेकिन वो इस चीज़ से ज़्यादा जुड़ नहीं पाती हैं। बहुत ही अच्छा सुझाव रहा। विश्व में जितने भी मेरे योग करने वाले जो मेरे दोस्त हैं इन चीज़ को देख रहे हैं, वो इस चीज पे काम करें। बिल्कुल शिल्पा जी, जाने से पहले मैं आपसे कोई भी मैसेज, कोई भी संदेश अगर आप हमारे दोस्तों को जो भी हमको लाइव देख रहे हैं, सुन रहे हैं पूरे विश्व में, उनको अगर देना चाहें कि क्या चेंजेस, बदलाव, चाहे वो मेंटलिटी का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, कोई भी अगर बदलाव, सुझाव जो आप चाहते हैं वो अगर आप दे सकते हैं। जी, जितना ज्यादा हो सके रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी बढ़ाइए डिसेबल के लिए, चाहे वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो, चाहे किसी भी टाइप के रिसोर्सेज हैं, वो डिसेबल के लिए उनकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव है कि आप प्लीज़ प्लीज़ सोसाइटी में जो स्टिग्मा है इसको लेके, डिसेबिलिटी को लेके, उसे मत रखिए। डिसेबल एक नॉर्मल इंसान है, जैसा कि आप उनको आप देखते हैं, उनके भी दिमाग है, दिल है, वो भी सारी चीज़ों को सोचते और समझते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को जैसे ही उनको ब्रिमिंग में ही डालिए बात कि कोई अबनॉर्मलिटी अबनॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। एक 70 साल की एज होने के बाद भी आपको डिसेबिलिटी, अगर आप चल नहीं पा रहे हैं, आपके कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप डिसेबल हो जाते हो। अरे कुछ ना कुछ हद तक इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको डिसेबल बना देता है। तो ये डिसेबिलिटी को लेकर आप एक स्टिग्मा जो है उसको दूर करिए, पहली बात कि एक हम नॉर्मल इंसान है, और दूसरा ये कि जितनी भी रिसोर्सेज हो सके वो अवेलेबल होने चाहिए डिसेबल के लिए, चाहे वो जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल हो, या किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉयमेंट में, सभी जगह पर हमारे डिसेबल के लिए जो रिसोर्सेज की एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए। दोस्तों, हमने शिल्पा जी को सुना, जैसा इन्होंने सुझाव हमको दिया, आई होप कि विश्व में जितने भी सोशल वर्कर होंगे, चाहे गवर्नमेंट के लोग जो मेरे टच में हैं, चाहे जो भी मेरे योग के दोस्त हैं, वो इस चीज़ पे भी काम करेंगे, और जो अवेयरनेस की इन्होंने बात की है और वो उस पे भी काम करने की कोशिश करेंगे। शिल्पा जी का बहुत बहुत शुक्रिया जो इन्होंने आप सबके साथ जुड़ के जो अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी आप सबके साथ भी शेयर की दोस्तों। एंड आप सबके भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जो आप मुझे इतना सारा प्यार दे रहे हो, मेरी कोशिश को जो है इतना मोटिवेट कर रहे हैं। मैं ऐसे ही आप लोग को जो है हमेशा नए अपने दोस्तों से मिला रहूंगा, और आपको इंस्पायर करता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा। तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मोटिवेट रहें, मोटिवेट करते रहें। मैं फिर आऊंगा, तब तक के लिए सी यू गाइस, डू शेयर, लाइक एंड कमेंट, बाय।